बूस्ट के भरोसे भारतीय इकोनॉमी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और यही वजह है कि सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत आज की डेट में बनी हुई है। अविनाश जी, अगर एफडीआई के बारे में बात की जाए, अप्रैल 2014 से 2015 तक एफडीआई में 48% से ज्यादा की वृद्धि जो हमने देखी है, इसको शेयर मार्केट में किस तरह से देखा जाएगा? क्योंकि एफआईआईएस का इशू जो है उसको पूरी तरह से खत्म करना वो अभी भी बाकी है। कई ऐसे सवाल हैं जो विदेशी संस्थागत निवेशकों के मन में होंगे, तो कौन सी ऐसी चुनौती है जो जिसको पार पाना अभी भी बाकी है? आई थिंक आपने सही कहा कि एफडीआई की इन्वेस्टमेंट में अच्छी बढ़त हमने काफ़ी टाइम से देखी है और ये एक सस्टेन होगी। बट अगर जो मुद्दा इम्पोर्टेंट रहेगा एफआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो टैक्सेशन का रहेगा, क्योंकि अभी भी इस मुद्दे पे क्लियरली कोई क्लियरिटी गवर्नमेंट ने अभी भी एफआईएस को दी नहीं है। तो मेरे ख्याल से जब तक ये मुद्दा क्लियर नहीं होता तब तक शायद एफआईआई फ्लोज थोड़े बहुत मॉडरेट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लॉन्गर टर्म 2-3 साल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का सिनेरियो इंडिया में बन रहा है, क्लियरली हमें लग रहा है कि शायद इन 2-3 साल में इंडिया चाइना का भी ग्रोथ रेट ओवरटेक कर सकती है। और क्लियरली एफडीआई को लेके अगर इस प्रकार का मोमेंटम मेंटेन होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी रहती है, तो मेरे ख्याल से मार्केट डेफिनेटली इस बात को पॉजिटिवली व्यू करेगा। इन द शॉर्ट टर्म मेरे ख्याल से ये जो टैक्सेशन का इशू है ये थोड़ा सा मार्केट्स के ऊपर हैंगओवर रहेगा। यूएस की जो मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट हाइक की बात हो रही है वहां पे क्लियरली थोड़ी बहुत कंसर्न है कि शायद अक्टूबर या नवंबर तक ये रेट हाइक आए। बट फिर भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जहां पे क्लियरली क्लोज सस्टेनेबल बेसिस पे आएंगे। जी, अक्टूबर 2014 से 2015 तक के ये आंकड़े आए हैं जिसमें जाहिर तौर पर उम्मीदें जो थी वो सरकार से बहुत ही शुरू पहला साल रहा और उसमें उम्मीदों के हिसाब से सरकार ने जल्द से जल्द फैसला लेने की अपनी इच्छा भी दिखाई। लेकिन ये आने वाला जो साल है इसमें किस तरह की चुनौतियां रह सकती है? जिस तरह की बढ़त हमने पिछले एक साल में देखी एफडीआई के मोर्चे पर, क्या मौजूदा जो स्थिति सामने है और जिस तरह से गति आगे बढ़ रही है, क्या यह माना जाए कि इसी तरह की प्रगति, इसी तरह की गति आने वाले साल में भी देखने को मिल सकती है, यहां पर थोड़ा सा कोमा या फुल स्टॉप या थोड़ा सा विराम लगेगा? आई थिंक मेरे ख्याल से मोमेंटम सस्टेन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट बात रहेगी वो क्लियरली पॉलिसी फ्रंट पे रहेगी। जैसे पहले शो पे आपने कहा कि मानसून सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, मेरे ख्याल से जो नया इन्वेस्टमेंट आएगा वो क्लियरली इम्पोर्टेंट बिल्स देखेगा, जैसे लैंड रिफॉर्म बिल, जीएसटी बिल, ये दो बिल पास होना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे कोई रुकावट या कोई सेटबैक गवर्नमेंट को मिलता है और ये पास नहीं होते तो हो सकता है कि थोड़े समय के लिए ये थोड़ा बहुत FDI का और FI का जो फ्लो है उसमें थोड़ा बहुत रुकाव आ सकता है। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि GST जिस प्रकार का बिल है ये इंडियन इकोनॉमी को डेफिनेटली और भी स्ट्रेंथन करेगा। लैंड बिल की भी अगर बात करें तो जो नए निवेशक है, फॉरेन इन्वेस्टर जो FDI इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, वो लैंड एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आई वुड से दैट ये दोनों ही इश्यूज जब तक पूरी तरह से सुलझाते नहीं तब तक आने वाले साल में ये दोनों इश्यूज काफी बड़े चैलेंज रहेंगे जब तक ये बिल्स ऑफिशियली पार्लियामेंट में पास नहीं होते। Well, Mr. Gorakssakar, we are talking about the foreign investments. Now, if we talk about the foreign investments, like how exactly are the markets completely viewing this concept of foreign investments? You know, what exactly do you think are the sectors which will have a benefit? Like, say, for example, we have insurance, we have defense sector, FDI's limits growing up. How do you think this complete space, what exactly should be the sectors which investors have to focus upon keeping this FDI concept in mind? No, I think clearly if you talk about FI or FDI investments, Venkat, I think clearly, sectors where technology is involved. I think clearly you mentioned about insurance. I think apart from insurance, I think the defense manufacturing space, which the government has allowed increased FDI, pharmaceutical sectors, technology-oriented sectors. So I think there's a lot of money which is waiting on the sidelines, which is definitely going to come to India. Mm. But it's going to take a little more time because I think even if you talk about insurance, I think we have seen very few insurance companies actually announcing big announcements. True. Like increasing the FDI strategic equity investments in their existing investments in India. More importantly, new investments have not yet come in a big way in insurance. Still people are waiting for more clarity on the policy side, and as I mentioned, I think the sentiment on the ground needs to be improved significantly because I think the government now realizes that if policy related decisions are not possibly passed in the parliament, then I think it creates a little setback for future investment. So I think in the short term these challenges will be there, but clearly as I mentioned in the sectors which I told, I think these are sectors which are increasingly going to see a lot of FDI investment over say 2-3 year kind of horizon.
Okay, well, that is about FDI, in fact. So, and then Avinash Jeet, coming about one another important, before we get into some break, I just wanted to talk about another important space, the PSU space, because this is one important space. There have been mixed reactions as well, and then the analysis also, but many analysis pretty much different. How do you completely look at this PSU space? Do you think the investors, the new investors who want to come in, can they invest in the PSU space, or they have to, you know, stick to the private sector? No, I think, Venkat, clearly if you see the kind of price performance of the private sector versus the PSU sector, I think one thing is very clear that, you know, sectors like typically PSU banking system, if you give a clear comparison with the private sector banks, I think clearly in terms of asset quality, in terms of the kind of top level management, I think there leaves to be a kind of vacuum between the both private as well as public sector kind of, you know, banking system. True. My sense is, I think, you know, in the near term, at least till the time the economy does not show very strong signs, I think you're going to see a lot of pain for the PSU banks. I think private sector banks will do well. Mm-hmm. As far as PSU as a category is concerned, I would say that there are few companies, you know, like a Bharat Electronic, which will still continue to do well. But overall, the mood in the PSU space is little cautious, because here clearly, you know, I think frequent changes on the management take place. The earnings quality is also not all that great. So I would say that, you know, clearly, I think an investor who takes a call in any PSU kind of stock, I think has to keep in mind that here the government has a big bearing on the re-rating of any sector. So I would say that, you know, it's better to be a little cautious here. I think an investor can take a small exposure, but definitely not go fully, you know, bullish only on the PSU sector. He has to keep a equal amount of presence on the private sector also. Well, Mr. Gorakssakar, as we are talking about PSU itself, what exactly are your top five picks in the PSU space itself, and then the buy call target and also the stop loss levels? I think, Venkat, I will not be able to give you targets, but overall, if you ask me what could be the top 3 to 5 stocks within the PSU space, I would say that, you know, a State Bank of India, or maybe that maybe a Bank of Baroda from the PSU banking space. From the defense space, I would put my bet on something like a Bharat Electronics. Mm-hmm. In the capital goods space, a BML also looks very attractive from a long-term point of view. And finally, Coal India, which I think has got significant earnings potential over the next 2 to 3 years. So I would say that, you know, these are very strong PSU players, which I think one should take a call. In fact, you could also look at oil marketing companies, as I mentioned earlier, something like a BPCL or a HPCL or maybe an MRPL, where I think clearly there's good value to be made. चलिए, ये तो बात हुई स्पेसिफिक सेक्टर्स के बारे में, और पीएसयू के बारे में हमने जाना, लेकिन प्रधानमंत्री आज से कौशल